अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम। नाजरीन मशहूर तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर दिल अजीज और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा बन चुका है। इसने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। वहीं इस ड्रामा के किरदारों हलीमा और अर्तुगरुल ने भी करोड़ों फैंस बना लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्रामा क्रूलस उस्मान भी बेहद फेमस हुआ है और इसमें बाला खतून का शानदार किरदार निभाने वाली इस खूबसूरत तुर्क अदाकारा ने भी हलीमा सुल्तान की तरह बेहद मकबूलियत हासिल की है, जिसकी बुनियादी वजह इनका बेपनाह हुस्न और मासूम चेहरा है। इसलिए लाखों लोग इनकी जुल्फों के असीर हो चुके हैं और इनके बारे में जानने के लिए बेताब हैं। आज की जेर नज़र वीडियो में हम क्रूलस उस्मान में बाला खतून का किरदार निभाने वाली इस तुर्क अदाकारा के बारे में बताएंगे कि ये असल में कौन है और इनका लाइफस्टाइल क्या है, और चंद ऐसी बातें भी बताएंगे जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन उससे कब तमाम देखने वाले सामीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नंबर वन मशहूर मरूफ ड्रामा क्रूलस उस्मान से शोहरत पाने वाली राबिया बाला खतून का असल नाम ओज़गे तोरेर है, जो कि 1998 में तुर्की के शहर इस्तांबुल में पैदा हुई। नंबर टू एक्ट्रेस और मॉडल ओज़गे तोरेर ने मुगला सिटी की कुकमैन यूनिवर्सिटी से 2017 में ग्रेजुएशन और परफॉर्मिंग आर्ट्स के शोबे में कामयाबी हासिल की। नंबर थ्री 2018 में ड्रामा क्रूलस उस्मान के लिए जब तुर्की की कई एक्ट्रेस के ऑडिशन लिए गए तो ओज़गे तोरेर ने भी शिरकत की। ओज़गे तोरेर की मासूमाना शक्ल और सूरत के साथ साथ इनकी एक्टिंग भी ऑडिशन लेने वाली टीम को खूब पसंद आई और उन्होंने ओज़गे तोरेर को शॉर्ट लिस्टेड की गई एक्ट्रेस में शामिल कर लिया। उस वक्त इनकी एज 19 साल थी। जब शॉर्ट लिस्टेड एक्ट्रेस में सिलेक्शन की बारी आई तो डायरेक्टर को ओज़गे तोरेर बाला खतून के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट नजर आई, लिहाजा इन्हें सेलेक्ट कर लिया गया।